हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपने कैरी की सब्जी अचार तो बहुत खाया होगा। आज मैं आपको कैरी की सब्जी बना के खिलाती हूँ और आप लोग खाइए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पहले हम तेल डालते हैं कुकर में। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनती है ये सब्जी। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा, एक चम्मच। अदरक लहसुन को थोड़ा भुनेंगे, इसको थोड़ी सी घी निकल जाने दीजिए। उसके बाद हम इसे थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, आधी चम्मच मिर्ची। और इसमें नमक डालेंगे आधा चम्मच। और इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और इसको हम भुनेंगे। सेम से भुनेगा जैसे मसाला आपका भुनेगा नहीं। जैसे ही आपको इसकी मसाला भुनने के लिए स्मेल आने लगे, आप इसे प्याज डालिए। जी देखिए, मेरा मसाला अब लगभग भुन चुका है। देखिए, इसमें तेल भी छोड़ दिया और मेरा मसाले का रंग भी बहुत अच्छा आ गया है। देखिए, हेलो गाइस, देखिए मेरा जो है मसाला भून के रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें। अब आप जो है ना, इसमें प्याज मैंने जो 4 से 5 बड़ी प्याज की काट कर रखी थी, अभी आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। आप लोग को बहुत पसंद आएंगी। आप लोग ने कैरी का अचार खाया है, कैरी की चटनी खाई है, आज आप कैरी की सब्जी भी खाते रहिए। बहुत मज़े की बनती है। इसे भून लीजिए और प्याज को अच्छे से मसाले के अंदर। देखिए मैंने प्याज को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपको जो है ना, ये मैंने सौंफ निकाल के रखी है 2 चम्मच। अब आपको पूरी सौंफ इसके अंदर डालनी है। इस तरह से पूरी सौंफ डाल दीजिए। और ये है 1 चम्मच कलौंजी, ये डाल दीजिए इसके अंदर। और इसको जो है ना, जैसे लगा के 3-4 जैसे इसको बंद करके ढक्कन लगा के 3-4 जैसे लगा दीजिए ऐसे। अब आप इसे दूसरे से लगाइए और ये इस तरह से उसको 3-4 सीटी होने दीजिए। और कैरी को खटास की वजह से थोड़ा उबाल लेते हैं तो उसकी खट्टापन निकल जाता है और उसका खाने में टेस्ट बहुत ही यमी होता है। अब ये मेरी जो है कैरियाँ उबल रही हैं, मैंने सिर्फ इसकी खटास निकालने के लिए इसको उबाला था। अब मैं इसको निकाल के पानी से अलग कर लूँगी। मैंने वो बंद कर दिया है। देखिए गाइस, अब ये जो है प्याज पूरी तरीके से गल चुकी है। अब हम इसको इसमें बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे और ये एक कर देंगे, क्योंकि मेन मसाला इसी का ही होता है प्याज का। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर। इसको भुनने के बाद आप इसमें ये गुड़ डालिएगा। इसमें गुड़ डालते हैं, गुड़ बहुत ही फायदे की चीज़ है और मिठास आती है। टाइम पर कैरी की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। ये कम से कम मैंने 100 ग्राम गुड़ लिया होगा, 1 किलो। और ये मेरी 1 किलो कैरी है और ये मेरे 100 ग्राम उसमें मैंने गुड़ डाला है। और 4 से 5 बड़ी कांदा डाला है, बड़ा कांदा काट के। अब इसको गुड़ को हम इसमें अच्छे से मैश कर लेंगे और खूब अच्छे से पकने देंगे। जैसे ही गुड़ हमारा गल के भून के एक हो जाएगा, फिर हम इसमें कैरी डालेंगे। ये हमारी सब्ज़ी जो है, इसमें गुड़ पूरा मेल्ट हो चुका है और बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए आपको इसका इस तरह से कलर दिखेगा आपको। अब आपको इसकी बॉयल देखिए, थोड़ा सा जो है वो ऐसे पकने में चला जाएगा। अब हम जो इसमें बॉयल करके कैरी रखी है, या तो हम इसमें डालेंगे एक साथ ऐसा, और डालने के बाद इनको 1 से 2 विसल लगा के पका देंगे। उसके बाद हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए गाइस, मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है और अब आप इसे मेरे खाने के लिए रेडी है।
गाइस मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। कैरी की बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।